चलो दौड़ो दौड़ो। उधर से भी पूरा फायर आ रहा है। उधर से मोबाइल बताइए, उधर से भी हैवी फायर है। सुकमा में नक्सलियों को बड़ा झटका। करीब 15 से 20 माओवादियों का मारे गए। कोबरा ने बदल लिया है नाम। सीआरपीएफ के जलेबी चक्रियों में फंस गए नक्सली, और इस बार हम लोगों ने उनके लिए जलेबी फॉर्मेशन का इस्तेमाल किया। अब नहीं बचेगा एक भी दुश्मन। वही वाली पार्टी है। चलो बैकअप दो, आगे बढ़ो अपने जवान के लिए। सुकमा से लेकर बीजापुर तक हमें पूरा भरोसा है कि वहां भी हमें सफलता मिलेगी। एक एक शहीद का बदला लेंगे जवान। हमें उस इलाके के ग्रामीण लोगों ने बहुत मदद की। ओके। फायर कंट्रोल। और देख के अम्मी साहब, उधर से भी फायर आ रहा है। लेकिन साथ में एक ऑपरेशन और चल रहा है कल इलाके में गोपनी जो है। सीआरपीएफ की जलेबी में फंसेंगे नक्सली। तो सुकमा में शहीद हुए जवानों के बाद अब सीआरपीएफ ने बदला लेना शुरू कर दिया है। 96 घंटे तक चले एक ऑपरेशन में सीआरपीएफ का यह दावा है कि उसने 15 से 20 नक्सलियों को मार गिराया। ये जो मुठभेड़ है वो सुकमा और बीजापुर के बॉर्डर पर हुई। करीब 200 नक्सलियों को सीआरपीएफ की कोबरा बटालियन के जवानों ने घेर लिया। सीआरपीएफ ने अपनी रणनीति बदलते हुए नक्सलियों के खिलाफ अब नए टैक्टिक्स यानी कि नई रणनीति का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, और इसे जलेबी फॉर्मेशन कहा जा सकता है। इस बारे में हम आपको तफसील से जानकारी देंगे। मेरे सहयोगी सुदीप भी मेरे साथ फोन लाइन पर रहेंगे। लेकिन अभी खबर यह है कि इस हमले के बाद नक्सलियों ने सुरक्षा बलों पर हमला किया है। सुबह 3 बजे से पूसुगुड़ा में सुरक्षा बलों के कैंप पर रुक रुक कर फायरिंग हो रही है। सुरक्षा बल भी इस फायरिंग का जवाब लगातार दे रहे हैं, लेकिन अभी तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। ये एक अच्छी बात है। वैसे देखा जाए तो नक्सलियों का हौसला हिल चुका है और वो इस तरह से हमले बौखलाहट में कर रहे हैं। सीआरपीएफ ने 4 दिन तक चली इस मुठभेड़ में नक्सलियों को बड़ा नुकसान पहुंचाया। हालांकि सीआरपीएफ का यह कहना है कि नक्सली अपने मारे गए साथियों के शव लेकर फरार हुए हैं, और ऐसे और ऑपरेशन सभी जारी रहेंगे। ये सीआरपीएफ का स्टेटमेंट है। संभावना ये भी है कि सीआरपीएफ की मदद से फिर से सड़क बनाने का काम जल्द ही शुरू किया जाएगा, ऐसे काम जिसे नक्सली लगातार रोकने की कोशिश करते रहते हैं। मेरे सहयोगी सुदीप त्रिपाठी फोन लाइन पर है। सुदीप, क्या ये कहा जा सकता है कि अब नक्सली वापस से हमला इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि नक्सलियों के एक बड़े लॉट को नुकसान पहुंचा है सीआरपीएफ ने इस जलेबी फॉर्मेशन के जरिए अपनी रणनीति बदलते हुए? बेशक पूर्णिमा, ये उसी घटना की बौखलाहट इसको कहा जा सकता है। लेकिन आमतौर पर नक्सली जब किसी कैंप में फायरिंग करते हैं और वो रुक रुक कर फायरिंग करते हैं तो इसको फोर्स का ध्यान भटकाने की कोशिश कहा जा सकता है। आमतौर पर किसी वारदात को नक्सली जब अंजाम देने की फिराक में रहते हैं तो इस तरीके की घटनाओं को वो अंजाम देते हैं ताकि फोर्स का ध्यान भटका रहे। फिलहाल अपडेट यही है कि जब से सीआरपीएफ ने बड़े पैमाने पर नक्सलियों को मार गिराने का दावा किया है और पिछले 4 दिनों से लगातार ये ऑपरेशन जारी थी दंतेवाड़ा
बीजापुर, सुकमा और नारायणपुर के जो सीमावर्ती इलाके हैं वहां पे ये ऑपरेशन किए गए। एक बड़े नक्सल लीडर को भी, विलास नाम का नक्सल लीडर है जिसको मार गिराया गया था, और उसके बाद नक्सली अब बौखलाहट में है और वो इस फिराक में है कि फोर्स को भी जो है, फोर्स की तरफ से भी एक बड़ी घटना को अंजाम दिया जा रहा था और उसी कोशिश में वो आज सुबह 3 बजे से जो है लगातार फायरिंग कर रहे थे। रुक रुक कर ये फायरिंग हो रही थी, लेकिन फिलहाल अभी फायरिंग को बंद कर दिया गया है। जैसे ही सूरज निकले है उसके बाद से फायरिंग बंद है। फोर्स जो है अब उस इलाके में सर्चिंग के लिए निकलने वाली है। बहुत बहुत शुक्रिया सुदीप जानकारी के लिए। बीजापुर में नक्सलियों से बदला, नक्सलियों के खिलाफ बड़ा हमला। छियानवे घंटे चला ऑपरेशन, ढेर हुए 15 से 20 नक्सली। ओके ओके, फायर कंट्रोल। और देख के अम्मी साहब, उधर से भी फायर आ रहा है। चलो बैकअप दो, बैकअप दो, बैकअप दो, आगे बढ़ो अपने जवान के लिए। ये इलाका है छत्तीसगढ़ का, सुकमा और बीजापुर का बॉर्डर, जिसे नक्सलियों का गढ़ कहा जाता है। लेकिन अब इस गढ़ में सीआरपीएफ के कोबरा कमांडो ने ऐसा ऑपरेशन चलाया है जिसमें नक्सलियों को भारी नुकसान हुआ है। चलो बैकअप दो, बैकअप दो, बैकअप दो, आगे बढ़ो अपने जवान के लिए। फोर्स ने मुख्य लड़ाई 2 दिन लगातार लड़ी, वो थी 13 की रात में और 14 की रात में, और करीब 15 से 20 माओवादियों का मारे गए। नक्सलियों के खिलाफ सीआरपीएफ के इस ऑपरेशन में करीब 350 कोबरा कमांडो शामिल थे। हालांकि इस ऑपरेशन में एसटीएफ का एक जवान शहीद हुआ है। शहीद शलज उपाध्याय यूपी के भदोही के रहने वाले थे। इस ऑपरेशन में हमारे 2 जवान छत्तीसगढ़ पुलिस के डीआरजी के घायल हुए और 1 जवान हमारा जो एसटीएफ से था, शलज उपाध्याय जो उत्तर प्रदेश भदोही के थे, वो शहीद हुए। 96 घंटे तक सुकमा और बीजापुर बॉर्डर पर जंगलों के बीच गोलीबारी चलती रही। इस ऑपरेशन में सीआरपीएफ के 2 जवान भी घायल हुए हैं, जबकि नक्सलियों को मुंह की खानी पड़ी है। बताया जा रहा है कि नक्सली अपने मारे गए साथियों के शव उठा कर ले गए। सुकमा में सीआरपीएफ की रोड ओपनिंग पार्टी पर हुए हमले के बाद ये नक्सलियों के खिलाफ सबसे बड़ी कार्रवाई है। चलो बैकअप दो, बैकअप दो, बैकअप दो, आगे बढ़ो अपने जवान के लिए। और अब इसे अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश है। सरकार ने तय किया था कि सघन ऑपरेशन जो है उनके खिलाफ चलाए जाएंगे। एक ऑपरेशन ये अभी खत्म हुआ, सुबह पार्टी वापस आई, लेकिन साथ में एक ऑपरेशन और चल रहा है इलाके में गोपनीय जो है, और हमें पूरा भरोसा है कि वहां भी हमें सफलता मिलेगी। हमें उस इलाके के ग्रामीण लोगों ने बहुत मदद की। 24 अप्रैल 2017 को सुकमा में हुए नक्सली हमले में सीआरपीएफ के 26 जवान शहीद हुए थे। इस हमले के बाद से सीआरपीएफ ने अपनी रणनीति बदली है।
और अब नक्सलियों के खिलाफ नए सिरे से मजबूती से ऑपरेशन चलाया जा रहा है। देख के देख के अम्मी साहब, उधर से भी फायर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।